काफी लंबे प्रयासों के बाद जबलपुर में नैरो गेज से ब्रॉड गेज का काम प्रारंभ हो गया था और नैरो गेज की जो जगह थी विशेष रूप से गोरखपुर से ग्वारीघाट वो एक तरह से रेलवे की दृष्टि से अनुपयोगी हो चुकी थी और उसको लेकर बातचीत चल रही थी रेलवे के साथ। कई कठिनाइयां थी, पिछले दिनों मैंने उसको लेकर दिल्ली में भी मंत्रालय में भी बातचीत की थी और आज उसको लेकर एक जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय, कमिश्नर और उसके साथ साथ DRM और रेलवे के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और बैठक में विस्तार से इन सभी विषयों पर चर्चा करके उसके निराकरण का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि उसके निराकरण का रास्ता करीब करीब निकल चुका है। गधेरी की जमीन रेलवे को उसके बदले ऑफर की गई थी, रेलवे को उसके पर सहमति नहीं थी, लेकिन लगातार होने वाले प्रयासों के परिणाम स्वरूप रेलवे उस पर अपनी सहमति बना चुका है और रेलवे को जमीन देके इस जमीन का हस्तांतरण हो जाएगा। केवल पानी की पाइपलाइन का इशू है, उसका भी रास्ता निकल जाए, आज इस पर भी चर्चा हो गई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब छोटी लाइन फाटक की जो जगह थी, छोटी लाइन फाटक से लेकर और ग्वारीघाट तक की जो जगह थी नैरो गेज की, अब उसका उपयोग जबलपुर के हित में किया जा सकता है। एक नया रास्ता और बहुत सारी गतिविधियों के लिए एक अच्छी जगह हमारे पास उपलब्ध हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कलंकित करने का काम आपातकाल के समय पर कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज वही लोकतंत्र की दुहाई देते हैं जिन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया। लेकिन आने वाले समय में कोई हिम्मत ना करे, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी जब लोकतंत्र को समझती हैं, जानती हैं, उसके बारे में पढ़ती हैं, तो ये भी जानकारी में उनके रहना चाहिए कि एक समय पर लोकतंत्र को कुचलने का काम भी देश में हुआ है। हमारी नई पीढ़ी जागरूक होगी, सचेत होगी, तो दोबारा ऐसी कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा। इसलिए अगर पाठ्यक्रम में आपातकाल के विषयों को शामिल किया जाता है तो देश की जनता को और नई पीढ़ियों को उसको जानने का हक और अधिकार है। एक सवाल हो गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद सहगल को हटाने की डिमांड की है, चर्चा हटाने की। देखिए, एक फैशन जैसा हो गया है कि देश में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं संविधान से जोड़ के, लोकतंत्र से जोड़कर उसको रिमूव किया जाए, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई सरपैर नहीं है। ऐसे ही सहगल को लेकर जो बात आ रही है वो निराधार है। एक कोई पवित्र चीज का की स्थापना अगर लोकसभा में हुई है जिसका सीधा संबंध लोकतंत्र से है, लोकतंत्र को स्थायी रखने से है, तो उसको हटाना और उस पर कोई बातचीत करना मुझे लगता है ये बेमानी है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता भी मुझे नहीं लगती।